किसान भाइयों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले शिमला मिर्च की नर्सरी कैसे तैयार करें। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे हाथ में अभी शिमला मिर्च का पैकेट है और इसमें अभी हमने इसको फाड़ा है। अभी हमने जो नर्सरी डाली हुई है, आप देख पाओगे कि हमने शिमला मिर्च की भी नर्सरी डाली हुई है। और आज हम इसे में वीडियो बनाने वाले हैं कि शिमला मिर्च की नर्सरी कैसे डाली जाती है। जो नए किसान भाई होते हैं उनको शिमला मिर्च की नर्सरी डालने में दिक्कत होती है, उनका दो सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि वो कोको पैड में डाले, ऐसे ट्रे में डाले या फिर नीचे डाले। तो किसान भाई, सबसे पहले मैं बात तो ये कहना चाहूँगा कि शिमला मिर्च की जब भी नर्सरी डाले वो कोको पैड में ही डाले, हमें प्रो ट्रे में ही डालना है। जिस प्रकार से हमने इसको डाली हुई है प्रो ट्रे में, और डालने के बाद क्या करना है कि एक के ऊपर एक ऐसा रखना है। ये क्यों रखते हैं इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि शिमला मिर्च की नर्सरी को किस प्रकार से डाला जाता है एक एक करके, और जिसका जो बीज है वो कितने का आता है, क्या है, कैसा है, तो सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। डालना इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम जैसे प्रो ट्रे, अब जो प्रो ट्रे रहती है, जैसे कि आप देखोगे हमारी प्रो ट्रे है, और अभी हमने जो भरा हुआ है इसमें हम सबसे पहले क्या भर लेंगे आप देखोगे, तो सबसे पहले हम इसमें कोको पैड, जैसे कि आप देख पाओगे कोको पैड है, और कोको पैड जो है इसके बारे में हमने वीडियो बनाई, कोको पैड को कैसे फुलाया जाता है वो भी देख सकता है। आपको नहीं आता जो कोको पैड हमने फुलाई है, इसको हम कैसा भरेंगे देख लो। कोको पैड को इस प्रकार से पहले आप भर दें बहुत ही आसानी से, भाई ध्यान रहे कि आप कब भी कोको पेड़ भर रहे हैं बहुत ही हल्के हाथों से भरे, इसको दबाना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप हम देखोगे कि हम इसको हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल इसमें डालते जाना है आपको, और जो कोको पेड़ के सारे छेद होते हैं, गड्ढे होते हैं, वो अपने आप इसमें भर जाएंगे। जैसे आप देखोगे, ये देखो ये पूरे भर चुके हैं, और हमने इसको जो एक्स्ट्रा जो कोको पेड़ है, एक्स्ट्रा कोको पेड़ है, हमने उसको निकाल दिया है बाहर। ये एक्स्ट्रा कोको पेड़ ज़्यादा इसको दबाना नहीं है कि बहुत दबा दबा के भर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है कि किसान भाइयों, जैसे कि आप जो बीज है आप देखोगे, इसका बीज जो होता है वो मिर्ची के बीज जैसे ही होता है, शिमला मिर्च का भी बीज सेम होता है, इस टाइम में इसका बीज होता है आप देख पाओगे। तो ये बीज को क्या करना है, सिंपल है कि एक एक बीज को एक एक इसमें रखना है। जैसे कि आप एक 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 आप इसमें एक 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 रख दें, कई बार होता है कि इसको डालने में दिक्कतें आती है, कहीं दो तीन जाते हैं, तो वो सब आप उसको बाद में निकाल के एक एक कर ले। आपको बताने के लिए अभी इतने बीज का उपयोग करता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा अगर आपको पूरा डाल के बताऊँ, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। आपको क्या करना है उसके बाद आराम से एक एक जो करना है, और सबसे मेन चीज़ इसको कितने गहरे में डालना है। अब कई किसान भाई के होते हैं कि बहुत ही हल्का सा दबाएंगे और ऊपर से भी इसमें आप डालोगे, जब इसमें हम पानी देते हैं पोर ट्रे में तो कोको पेड के होती है अंदर दबती है, तो वो हमारे बीज का ऊपर आ जाते हैं। किसान भाई इसको इस प्रकार में दबा ले, लगभग इतना इतना अंदर जाना चाहिए, जैसे कि आप देख पाओगे कि हमारा ये कितना अंदर बीज जा रहा है। आपको मैं पास से भी दिखाऊँगा, ये देखो कि ये इतना अंदर बीज आपका जाना चाहिए। इस प्रकार में आसानी से आप पूरी उंगली से कर ले। उसमें क्या करें, इसके बाद स्टेप ये है कि पास से फिर कोको पेड ले, और कोको पेड को फिर हल्का 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 ऊपर से इसमें लगा दे। जैसा हो जाएगा तो देखो आप, ये जो हमारी कोको पेड देखोगे इस टाइम में, इसका बिल्कुल आपका कोको पेड की जो नर्सरी आने की, आप जो डालना चाहते हो शिमला मिर्च की नर्सरी है, मिर्च की नर्सरी है, टमाटर की नर्सरी, किसी भी नर्सरी को इस प्रकार से डाल सकते हो। पर आप विशेष ध्यान ये रखें कि कोको पेड को फुलाना कैसा है, कौन सा कोको पेड का इस्तेमाल करना है, तो इसके बारे में हमने वीडियो बनाई है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। कोको पेड हमेशा GM प्लस का ही उपयोग करें, क्योंकि इसमें खाते की मात्रा अच्छी होती है, हमने वो वीडियो में बताया, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और इसको इस प्रकार से थोड़ा हल्का सा ये हल्का दबाए, कम ना दबाए, क्या होता है कई बार कैसे कोको पेड है जितना आप दबाओगे वो के बाहर आ जाएगा, पलाई दो तीन तीन दिन ज़्यादा लेगा, पर हमारी जो नर्सरी है वो अच्छी यानी कि नर्सरी हमें प्राप्त होगी। ऊपर में क्या होता है, वो जल्दी तो उगता है पर उसकी जो जड़ है वो उतनी मजबूत नहीं होती है। तो किसान भाई वो इस प्रकार से उसको लगाए, कोको पेड पर ही लगाए। और आपके जो सवाल थे
कई किसान भाई के सवाल थे कि हम इसको नीचे भी लगा दे क्या, तो नीचे आपको नहीं लगाना, आपको अगर इच्छा तो आप लगा दो, बाकी नीचे तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा खर्चा इसमें पड़ता है, बाकी इतना कुछ नहीं है। अगर नीचे आप लगाओगे जैसे कि 1200 रुपये का आपका बीज आता है, आप जैसे कि 100 ग्राम आप लगाते हो 10 पैकेट, आपका 1200 के साथ 12000 का बीज आएगा, 12000 का बीज में अगर 1-2 पैकेट नीचे नहीं उगे तो क्या मतलब, इसमें लगाओ सुरक्षित लगाओ, इसके क्या ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपका फल भी अच्छा आएगा। तो किसान भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।